सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के तुमने ही बा करुणा और दया का अर्थ समझाया है। क्या होता है स्वाभिमान, किसे त्याग कहते हैं और किसे सेवा, तुमने ही बा आचरण में ढाल ये समझाया है। बा तुम राष्ट्रमाता हो। ये है कस्तूरबा गांधी, इनके बारे में गांधी जी ने कहा था, अहिंसा का संदेश कस्तूरबा से सीखा जा सकता है। कस्तूरबा के बिना अहिंसा के प्रयत्नों और आत्मसंयम में मैं सफल नहीं हो सकता था। भारत के इतिहास में अमर है कस्तूरबा गांधी। आजादी की जंग में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ चलाए गए सत्याग्रह आंदोलनों में बा की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने बहुत कष्ट सहे, जेल गई, समाज सुधार के कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान दिया। हरिजनों के उद्धार के लिए उन्होंने गांधी जी के साथ साथ प्रयास किए। बा का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ। इनका नाम रखा कस्तूरबेन माकन कापड़िया। बचपन में माँ झांसी की रानी की कहानी कस्तूर को अक्सर सुनाती। कौन जाने कस्तूर के स्वभाव में निडरता और साहस के गुण वहीं से आए हों। कस्तूर के पिता मोहनदास करमचंद गांधी के पिता श्री करमचंद गांधी के परम मित्र थे। इन दोनों ने कस्तूर और मोहनदास जो लगभग हम उम्र थे उनका विवाह करा दिया। इस तरह अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाया। विवाह के बाद मोहनदास कस्तूर पर कुछ ज्यादा ही निगरानी रखने लगे। कस्तूर कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं और क्यों, पर कस्तूर को ये बिल्कुल मंजूर ना था। उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था और वे एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली स्त्री थी। वे अक्सर मोहनदास को उनके अनुचित स्वभाव के प्रति सचेत करती। उनके पोते श्री अरुण गांधी ने कस्तूरबा पर लिखी किताब द फॉरगॉटन वुमन में लिखा है, मेरी दादी स्वतंत्र थीं। उन्होंने किसी को भी स्वयं पर आदेश देने का अधिकार नहीं दिया, अपने पति को भी नहीं। हाँ, उनका ढंग समझौता परक होता था, चुनौती भरा नहीं। यानी कि बा जब तक किसी बात को अच्छी तरह से समझ नहीं लेती थी तब तक वो उसे स्वीकार नहीं करती थी। बा की अपनी जिंदगी थी जिसे उन्होंने अपनी तरह से जिया भी। वे एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी मगर अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा करते हुए। सन 1888 में कस्तूरबाई एक बेटे की माँ बनी जिसका नाम रखा हरिलाल, और फिर बाद में उनके तीन बेटे और हुए, मणिलाल, रामदास और देवदास। सन 1893 में गांधी जी को एक केस सुलझाने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां के प्रवासी भारतीयों को पुली कहकर पुकारा जाता था। गांधी जी को ये नागवार गुजरा। इस रंग भेद के विरोध के लिए उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया और बा और बच्चों को भी साथ ले गए। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार हिंदू विवाह को वैध नहीं माना गया, क्योंकि हिंदू विवाह ईसाइयों के विवाह की तरह रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता था। गांधी जी ने वहां की महिलाओं को इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन करने की राय दी। इस आंदोलन का नेतृत्व कस्तूरबा गांधी ने किया। उनके साथ वहां की हिंदू, पारसी, मुस्लिम, अमीर गरीब सभी महिलाएं शामिल हुईं और जेल गईं। कस्तूरबा को 3 महीने का कारावास मिला। अंत में वहां की सरकार को इस कानून को रद्द करना पड़ा। ये कस्तूरबा की पहली जीत थी। वहीं जोहानिसबर्ग में गांधी जी ने वकालत के लिए कार्यालय खोला। इसी जगह के बाहरी इलाके में एक मकान लिया, अपनी गृहस्थी बसाई। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को एकजुट करने के लिए कस्तूरबा और गांधी जी ने नेटाल की राजधानी डरबन के पास फिनिक्स में एक बस्ती बसाई।
यहाँ कई भारतीय परिवार परिश्रम कर शांति से रहने लगे। सन 1915 में गांधी जी के साथ सारा परिवार भारत लौटा। उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने अहमदाबाद में पहले कोचरब और फिर साबरमती आश्रम की स्थापना की। बापू ने बा को आश्रम के संचालन का कार्यभार सौंपा। आश्रम में बा हरेक की सुख सुविधा का ध्यान रखती। वहां सबके काम बटे हुए थे, सफाई का, पशुओं की देखभाल, रसोई, बच्चों की पढ़ाई, व्यवसायिक शिक्षा और बागबानी का। एक बार साबरमती आश्रम में गौशाला में काम करने वाले लोग कहीं और चले गए। अब गौशाला का काम भी आश्रम वासियों को बांट कर करना था। बा भी गौशाला पहुंची और मैनेजर से कहने लगी, मुझे कुछ काम क्यों नहीं बताते। वहां की व्यवस्था करने वाले सोचने लगे, भला बा को क्या काम बताएं। मैनेजर ने कहा, जी हाँ, मैं वही सोच रहा था कि आपको क्या काम बताऊं। बा ने कहा, गायों के लिए ग्वार नहीं दलनी है क्या? लाओ लाओ मुझे दो। और बा ग्वार ले जाकर चक्की पर बैठ गई और गाते गाते ग्वार दलने लगी। तो बा में काम के प्रति ऐसी लगन थी। बा को एक भजन बहुत प्रिय था, भजमन राम चरण सुखदाई। साबरमती और सेवाग्राम आश्रम आज के भारत के दर्शनीय स्थल हैं। आश्रम गांधी जी और बा की कर्म भूमि रहे हैं, जिसमें जाति भेद से परे अमीर गरीब सब तरह के लोग रहते थे। उस समय जब देश में छुआछूत का जहर तेजी से फैल रहा था, बा ने गांधी जी के साथ सशक्त ढंग से हरिजनों की दशा सुधारने में सहयोग दिया। आश्रम में हरिजनों को सम्मिलित किया गया। बा और बापू ने एक हरिजन बिटिया लक्ष्मी को गोद लिया, उसका पालन पोषण किया। बा ने रूढ़ियों को त्याग कर समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। कस्तूरबा गांधी जी के साथ भारत में हरिजनों के उद्धार के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जगह जगह घूमी। उन्होंने भारतवासियों से हरिजनों के प्रति अपने विचारों को छोड़ने की अपील की। पंजाब में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, हरिजन आंदोलन अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये हमारे दिलों पर गहराई से छा गया है। इसके बिना हम धर्म और सच्चाई के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। छुआछूत के पाप को हम सिर्फ त्याग और सेवा से धो सकते हैं। बा हर सत्याग्रह आंदोलन में बापू के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। अपनी सुख सुविधा का उन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा। गांधी जी ने लिखा था, मेरे हर राजनीतिक संघर्ष में वो मेरे साथ होती थीं। वो सच्ची शिक्षा का एक उदाहरण थीं। बा ज्यादातर बापू के साथ रहती। जब भी कभी लंबी यात्रा का सवाल आता तो बा का सबसे छोटा बिस्तर और सबसे छोटी अटैची होती। बापू ने कहा था, बा हम सबको हराती हैं। इतना कम सामान और इतनी कम जरूरत किसी दूसरे की नहीं है। मैं सादगी का इतना आग्रह करता हूँ, फिर भी मेरा सामान बा से दुगना है। सन 1917 में बा और बापू को बिहार के एक इलाके चंपारण बुलाया गया, क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार वहां के किसान अपनी ही जमीन के एक तिहाई भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर थे। नील बागान के मालिकों द्वारा इस खेती का उन्हें बहुत कम मूल्य दिया जाता था, जिससे वहां गरीबी बढ़ती जा रही थी। दरअसल नील के पौधों की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं, जिससे वे मिट्टी की सारी उपजाऊ शक्ति खींच लेती हैं और फिर इस पर धान नहीं उगाया जा सकता। बा और गांधी जी ने उस समय इसका विरोध किया। चंपारण आंदोलन सफल रहा। बा ने चंपारण के
भीती हरवा गांव में अपने लिए एक कुटिया बनवाई, जहां वे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सफाई से रहना भी सिखाती थीं। वहां बेहद गरीबी थी। इसका एक ही कारगर उपाय गांधी जी को नजर आ रहा था, वो था चरखा चलाकर सूत कातना और उससे तैयार की गई खादी के वस्त्र पहनना। बा और गांधी जी चरखा चलाना और खादी पहनना स्वराज के महत्वपूर्ण साधन मानते थे। जवाहरलाल नेहरू ने खादी को आजादी की वर्दी कहा था। बा और गांधी जी स्वयं भी नियमित रूप से चरखा चलाते और सूत कातते थे। आम जन को गरीबी से उबारने के लिए बा और गांधी जी ने घर घर चरखे का संदेश दिया, जिससे तन भी ढके और आमदनी भी हो। चरखा हमारे देश की प्रगति का प्रतीक बना। उस समय का एक प्रचलित चरखा गीत भी है। दरिद्र दीन दुख टारे देश, दरिद्र दीन दुख टारे देश, दरिद्र दीन दुख टारे देश, दरिद्र दीन दुख टारे। यदि चाहो करना इस तरह देश में हर जगह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में बा निरंतर सत्याग्रह आंदोलनों से जुड़ी रहीं। सन 1918 में गुजरात के खेड़ा इलाके में अकाल पड़ा। उस समय जमीन के मालिकों ने सरकार से लगान माफ करने की अपील की। सरकार टस से मस नहीं हुई। इसके विरोध में बा और गांधी जी ने स्वयं सेवकों के साथ सत्याग्रह किया। गांधी जी गिरफ्तार किए गए, पर बा का हौसला बना रहा। इस अवसर पर महिलाओं की भूमिका क्या हो, इस बारे में बा ने संदेश दिया। भाइयों और बहनों, हमारे पुरुषों ने सत्य के लिए जो लड़ाई छेड़ी है, हमें उसमें उत्साह प्रदान करना चाहिए। अंग्रेज सरकार अगर हमारी जमीन जब्त करना चाहती है तो करने दीजिए, लेकिन लगान का एक पैसा देकर झूठे ना बनिए। हमें सरकारी नौकरों से डर ना मानकर धीरज रखना चाहिए। अपने भाइयों, पतियों और पुत्रों को हिम्मत बंधानी चाहिए। स्वराज पाने के लिए इन मुश्किलों का सामना तो करना ही होगा। सन 1920 और फिर शुरू हुआ सारे देश में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, जिसमें जनता से सरकारी नौकरी और स्कूल कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी गिरफ्तार किए गए। गांधी जी 6 साल के लिए बंदी बनाए गए। जब जब गांधी जी गिरफ्तार किए गए, बा ने उस जगह के सत्याग्रह का मोर्चा संभाला। वो गांधी जी की अनुपस्थिति में लोगों में स्फूर्ति का संचार करती थीं, उनका मनोबल बढ़ाती थीं। ऐसे में उन्होंने लोगों को कभी भटकने और निराश होने नहीं दिया। वे कभी रचनात्मक कार्यों में लगीं, कभी जेल गईं, लेकिन साहस कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने देशवासियों से अपील की। मेरे प्यारे देश बंधुओं और बहनों, मेरे पति को 6 वर्ष की साधारण सजा हुई है। मैं कुछ स्थिर और बेचैन जरूर हुई हूँ, पर हम धैर्य रखेंगे। इस कठोर सजा का हमारी तरफ से पहला उत्तर ये होना चाहिए कि सभी स्त्रियाँ सूत काटना और चरखा चलाना अपना परम कर्तव्य समझें। सभी स्त्री पुरुष विदेशी कपड़ा त्याग दें। सभी व्यापारी विदेशी कपड़े का व्यापार छोड़ दे। तो क्या आप हैं हमारे साथ? स्वतंत्रता के संघर्ष से महिलाओं को जोड़ने का मुख्य श्रेय कस्तूरबा को जाता है।
सन 1928 में सरकार ने गुजरात के बारडोली ज़िले में 22% लगान बढ़ाने की घोषणा की। किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू किया। अंत में सरकार को लगान वृद्धि को रोकना पड़ा। इस आंदोलन में कस्तूरबा के आह्वान पर पहली बार वहां की महिलाएं सत्याग्रह में शामिल हुई थीं। स्त्री शक्ति को सामने लाने में कस्तूरबा को अद्भुत सफलता मिली और इस आंदोलन की जीत हुई। नमक कानून भंग करने के पीछे गांधी जी का मकसद था आम जनता को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ना, और ऐसा हुआ भी। इस आंदोलन से सारा देश जुड़ गया। सन 1930 में जब गांधी जी डांडी यात्रा तय करके नमक जैसी बेहद ज़रूरी खाने की चीज़ पर कर लगाने के विरोध में समुद्र के किनारे से मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून भंग कर रहे थे, तब कस्तूरबा स्त्रियों को साथ लेकर शराब बंदी के लिए दुकानों पर धरना दे रही थीं। बा के नाम में कुछ ऐसा खिंचाव था कि छावनी में सैकड़ों बहनें शामिल हो गईं। उनको हिम्मत और प्रेरणा बा से मिली। नतीजा ये हुआ, सूरत की सभी शराब की दुकानें बंद हो गईं। सरकार ने उनके वहां रहने पर पाबंदी लगा दी। कस्तूरबा की रहनुमाई पर उन्होंने मंडवे बांधकर अपनी छावनियां डालीं। अंग्रेजी सरकार ने उनकी सभी चीजें जब्त कर ली थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हम चटाइयों के झोपड़ों में रहेंगे और मिट्टी के बर्तन रखेंगे, फिर देखें वो क्या ले जाते हैं। ऐसा अदम्य साहस था कस्तूरबा में। नमक कानून भंग करने के आंदोलन में बापू गिरफ्तार हुए। देश सेवकों पर लाठियां बरसाई गईं। बा ने घायल स्वयं सेवकों का उपचार करवाया और उनकी बहादुरी की भरपूर सराहना की। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो देश भाई धरासणा की करुण कहानी सुनेंगे, वे वाइसरॉय के काले कारनामों का विरोध करने के लिए दुगने उत्साह से कर न देने की मुहिम चलाएंगे और साथ ही शराबबंदी का व विदेशी कपड़े का बहिष्कार का काम जारी रखेंगे। सन 1932-33 में बा का ज्यादातर समय जेल में ही बीता। बा जेल में भी डायरी लिखती थी, जिससे पता चलता है कि वे समय की जबरदस्त पाबंद थीं। उनकी पारिवारिक डॉक्टर डॉक्टर सुशीला नैयर ने अपनी पुस्तक हमारी बा में लिखा था, दक्षिण अफ्रीका और यहाँ की आज़ादी की लड़ाई में वे कई बार जेल गई थीं, पर उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि वे कोई असाधारण काम कर रही हैं। देश के लिए अपनी इच्छा से गरीबी को अपनाया, सब सुख साधन छोड़े, उनका त्याग इतिहास में सदैव दर्ज रहेगा। पहले मेरे साथियों को छोड़ो, फिर मुझे छोड़ना, दूसरों के बारे में पहले सोचना बा का स्वभाव रहा है। जीवन के हर मोड़ पर बा ने गांधी जी का साथ दिया। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे, मित्र थे, आदर्श गुरु थे। इन्हीं दिनों बीजलपुर जलालपुर परिषद के अध्यक्ष पद पर बा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बा ने कहा, अपने देश के इतिहास के एक बहुत नाजुक मौके पर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस वक्त मुझे एक ही बात कहनी है कि आप आपस के झगड़ों को भूल जाइए, इस मौके पर सब एक हो जाइए। अब बापू की गैर हाजिरी में अपने हर कर्तव्य को दुगने वेग के साथ पूरा कर रही थी। तभी गुजरात के एक इलाके बोरसद से तार आया। उस पर लिखा था, हमें कस्तूरबा के साथ की जरूरत है। ये तार उन महिलाओं की तरफ से था जिनके पतियों बहादुर किसानों ने सरकार को लगान देने से मना कर दिया था और जिसके फलस्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा था। बीमार होते हुए भी बा वहां पहुंची और उन्होंने इन औरतों का हौसला बढ़ाया। ऐसा लगता था जैसे बा जल्दी से जल्दी हर समस्या का समाधान कर देना चाहती थी। सन 1942, अब बारी थी आजादी के लिए अंतिम लड़ाई की।
गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। करो या मरो जन जन का नारा बन गया। बा महिलाओं के जत्थों के साथ जुलूस में शामिल हुई। उन्होंने कहा, करो या मरो का मंत्र मेरे दिल पर छप चुका है, अब किसी और चीज की जरूरत नहीं। इस अवसर पर सभी को करो या मरो के छपे हुए कागज अपने कपड़ों पर लगाने के लिए बांटे जा रहे थे। बातो आजादी की लड़ाई के रंग में पूरी तरह रंग गई थी। बापू गिरफ्तार किए गए। बा उस नियत स्थान पर पहुंची जहां बापू द्वारा भाषण दिया जाना था, पर बा भाषण नहीं दे पाई। उन्हें भी बंदी बनाया गया और आगा खां महल में ही नजरबंद कर दिया गया। 18 महीने का जेल का जीवन बा का बूढ़ा थका शरीर झेल नहीं सका। कस्तूरबा दिवंगत हुई। इस अवसर पर बापू ने कहा था, जैसे जैसे मेरा सार्वजनिक जीवन उज्ज्वल बनता गया, वैसे वैसे बा खिलती गई और पुख्ता विचार के साथ मेरे काम में समाती गई। हमारा संबंध अच्छे मित्रों का बना। बा के बिना मैं जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। उसकी मृत्यु से जो जगह खाली हुई है वो कभी नहीं भरेगी। बा आज भी जीवित हैं हमारे मन में। सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता एटनबरो ने गांधी फिल्म बनाई। पर्दे पर बा एक बार फिर सजीव हुई। उन्होंने बा के बारे में लिखा था, बा एक असाधारण स्त्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे त्याग, साहस और अविश्वसनीय रूप से गांधी जी की सबसे अधिक समर्पित शिष्या होने के साथ साथ वे उनकी देखभाल करती थीं और बहुत प्रभावी आलोचक थीं। कस्तूरबा, साहस, सरलता, स्त्री शक्ति और स्त्री मुक्ति का प्रतीक है। कस्तूरबा की स्मृति सदैव हमारे साथ रहे। आइए इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़ने का संकल्प करें। यही बा को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।